में कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन कर पुलिस कर्मियों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। बाहर से आए यात्रियों सहित दिन रात ड्यूटी करने के बाद खुद को सुरक्षित रहने के लिए सीएमओ ने होमगार्ड और पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचाने की अपील करते हुए कहा कि हाथ अच्छे से धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें और जिस डंडे का पुलिस कर्मी इस्तेमाल करते हैं उस डंडे को भी सैनिटाइजर जरूर करें, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी एक दूसरे को छूने से होती है, इसलिए लापरवाही ना बरतें। घरों में ब्लीचिंग पाउडर से सफाई करें जिससे वायरस को समाप्त किया जा सकता है। वहीं पुलिस कर्मियों को अनुराग श्रीवास्तव ने होम्योपैथिक की दवाई देकर कहा कि यह दवा वायरस से बचाव करेगा। वहीं एसपी ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए आज पुलिस कर्मियों को सीएमओ द्वारा बचाव के उपाय बताए गए, जिसका उपयोग कर ड्यूटी के समय सतर्क रहें और सभी थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को चिकित्सकों द्वारा बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। फतेहपुर से संवाददाता पब्लू सिंह की रिपोर्ट। आज यहाँ पे पुलिस कर्मियों को आज आपने जागरूक किया, किस तरीके से कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को बचाव करना चाहिए अपने? इस समय लॉकडाउन की स्थिति है तो हर व्यक्ति या प्रतिष्ठान बंद है तो हर व्यक्ति अपने घर में है, लेकिन जैसे हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस के जवान हैं, जो कि हर जगह पर ये इसको इन्फोर्स भी कर रहे हैं और बाहर से आने जाने वालों के विषय में भी जानकारी रख रहे हैं, तो वो एक तरह से उनको संभावित खतरे से वो जूझ भी रहे हैं, इसलिए उनको ट्रेनिंग देना या उनको वायरस के प्रकृति के विषय में, उसके संचरण के विषय में बताना, उससे बचाव के विषय में बताना ये आवश्यक है। और अपने जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये बहुत अच्छी सार्थक पहल की गई है कि हम जा करके हम अपने उन पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो कि बाहर रह करके लोगों के बीच में हैं, उनको कैसे इस संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। दूसरी बात यह है कि वो स्वयं भी समाज में हैं, तो इस जानकारी को हम चाहते हैं कि जनपद के हर व्यक्ति तक पहुँचे कि वो एक सामाजिक दूरी जो कि तय की गई है, 1 मीटर 1.5 मीटर से ज़्यादा दूर रहें, बार बार अपने हैंड वॉश करते रहें, जिससे कि ना तो स्वयं संक्रमित हो ना दूसरे के लिए संक्रमण का खतरा बन सके। सर, आज यहाँ पे समस्त होमगार्ड और समस्त पुलिस फोर्स को आज यहाँ पे जागरूक किया, सैनिटाइज का और मास्क का प्रयोग करके लोगों को जागरूक किया गया, किस तरीके की पहल की गई और पुलिस फोर्स के लिए क्या क्या निर्देशित किया गया? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष इस समय COVID-19, जिसको आमतौर पे कोरोना वायरस डिजीज़ कहा जा रहा है, उसकी महामारी से जूझ रहा है और जिसमें हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो फ्रंट लाइन पर रहकर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और इस बीमारी के खिलाफ जंग में शामिल हैं। उनकी सुरक्षा हेतु उन्हें जागरूक करने के लिए, इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए, इस किस प्रकार यह संक्रमण फैलता है उसके तरीकों के बारे में बताने के लिए और उनसे किस प्रकार बचाव किया जा सकता है इसके बारे में बताने के लिए आज यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा डायरेक्टली ब्रीफ किया गया है और उन्होंने यहाँ पर इसके जो संक्रमण के तरीके हैं, जो मुख्यतः दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसमें किसी एक बीमार व्यक्ति के द्वारा छींकने या खांसने से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो डायरेक्टली किसी एक व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं, और दूसरा हाथों के माध्यम से संक्रमण, जो किसी सरफेस के माध्यम से अथवा हाथों के माध्यम से जो संक्रमण फैलता है उसके बारे में बताया और इससे रोकथाम करने के लिए जो तरीके हैं उनके बारे में आज जानकारी दी गई। इस प्रकार जो यह कार्यक्रम है यह जनपद के प्रत्येक थाने में किया जा रहा है, जहां पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीधे पुलिस कर्मियों से संवाद स्थापित कर उनकी जो भ्रांतियाँ हैं और उनके मन में जो डाउट्स हैं उनको सीधा चिकित्सक द्वारा दूर किया जा रहा है, ताकि वे लोग एक सटीक रूप से और सही जानकारी के साथ अपना बचाव कर सकें और अपने समाज का बचाव कर सकें।